द पे लेडी। ये बात है 1960 की। इंग्लैंड में लूसी मॉर्गन नाम की एक महिला रहती थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लूसी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी आंट मैरी के साथ रहती थी। लूसी एक बहुत ही फेमस पेंटर बनना चाहती थी। एक दिन मैरी उसके पास आती है और वो पेंटिंग कर रही होती है। लूसी, तुम तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तुम्हें पेंटिंग सीखनी चाहिए। आंट मैरी, मैं सीखना तो चाहती हूँ। शहर के बाहर एक लेडी है, मिसेज रोज, मुझे उनसे पेंटिंग सीखनी है। वो बहुत ही फेमस पेंटर है, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लूसी, ऐसा मत करो, मेरे लिए अपने सपने मत खो। शहर से बाहर मेरी एक बहन भी रहती है एना, तुम वहाँ रह लेना। लूसी अपना सामान पैक करती है और जाकर सो जाती है। वो गहरी नींद में होती है कि तभी उसे एक डरावना सपना दिखाई देता है। लूसी एक बहुत ही अजीब से कमरे में है, जिसकी दीवारें एकदम सफेद है और उन पर काले धब्बों के निशान हैं। दीवारों पर नाखूनों के निशान लगे होते हैं। ये कौन सी जगह है? कोई है? कोई है? अचानक से उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती है। वो कांपते हुए ऊपर देखती है तो कोई नहीं होता। वो नीचे देखती है तो उसके पैर खून से सने होते हैं। पूरे कमरे में खून ही खून होता है। बचाओ मुझे! खून बढ़ रहा होता है और वो भागते हुए खिड़की के पास जाती है। खिड़की खुलती है तो उसे एक औरत हवा में दिखती है, जो खिड़की के पास उसे देख रही है। उसका एकदम सफेद चेहरा होता है और उसके होठों पर टांके लगे होते हैं। उसकी आंखें काली होती हैं, जिनमें पुतलियां नहीं होती। वो धीरे धीरे लूसी की तरफ बढ़ती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे! लूसी कमरे में बहते हुए खून में गिर जाती है। खून में लथपथ वो कांप रही होती है। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आती है और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखने ही वाली होती है कि लूसी की आंख खुलती है। लूसी नींद से जाकर डर से अपनी गर्दन छू रही होती है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे! तभी मैरी भागकर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ लूसी, बुरा सपना देखा क्या? हाँ आंटी, बहुत ही बुरा सपना था। इतनी भयानक शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी। घबराने की बात नहीं है, चलो आज मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। वैसे भी कल तो तुम चली जाओगी। अगले दिन लूसी मैरी से विदा लेती है और शहर से दूर मैरी की बहन एना के पास आ जाती है। लूसी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। मिसेज रोज से मैंने बात कर ली है, वो खुद तुम्हें पेंटिंग सिखाने के लिए आया करेंगी कल से। जी आंटी, थैंक यू। एना लूसी को कमरा दिखाने ले जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, लूसी कमरा देखकर हैरान रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही कमरा होता है जैसा उसने सपने में देखा था। वही सफेद दीवार और काले गोल गोल धब्बों के निशान और एक खिड़की। लूसी को वो औरत याद आती है और वो सहम जाती है। कैसा लगा कमरा लूसी? अच्छा है आंटी। लूसी एना को सपने के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वो उस कमरे में उस रात को मुश्किल से सो पाई। अगले दिन वो कैनवास और कलर्स टेबल पर रख कर वेट कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। हेलो मिसेस रोज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे पेंटिंग सीखना मेरा सौभाग्य है। रोज अंदर आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। लूसी कुछ समझ नहीं पाती। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रोज पीछे मुड़ती है और वो भयानक औरत बन जाती है, जैसे लूसी ने सपने में देखी थी। लूसी बुरी तरह से डर जाती है। रोज की बॉडी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पेल लेडी उसके करीब आती है और उसके खूबसूरत चेहरे को नाखूनों से खरोंच देती है। एना दरवाजा खटखटाती है और पेल लेडी गायब हो जाती है। एना दरवाजा खोलती है और देखती है कि रोज बेहोश है और उसके और लूसी के चेहरे पर खरोंचें आई हुई हैं। क्या हुआ लूसी, ये किसने किया? उसका चेहरा एकदम पेल था, भयानक चेहरा। एना शॉक हो जाती है। क्या वो पेल लेडी थी? वो फिर से आ गई है। ये पेल लेडी कौन है और ये ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ आने से पहले वो मेरे सपने में भी आई थी। आज से 30 साल पहले इस शहर में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। शहर में कोई भी सुंदर लड़की सड़क से गुजरती तो उसके चेहरे पर वार हो जाता। पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी कि इसके पीछे कौन है। फिर कुछ महीनों बाद ये राज भी खुला। ये काम था एक औरत लिली का, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी।
उसकी त्वचा बहुत पेल थी। उसके होठों पर एक कट था क्योंकि उसका बचपन में एक्सीडेंट हो गया था और वह मेंटल असाइलम से भागी हुई मरीज थी। उसने बताया कि उसका अपने चेहरे की वजह से बहुत मजाक उड़ता था, इसलिए उसने खूबसूरत औरतों को जख्मी किया। जब पुलिस उसे जेल ले जा रही थी, लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर मार डाला। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी खूबसूरत लड़कियों पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। लूसी, तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। रोज को भी होश आ जाता है और वो भी पेल लेडी के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। मैडम, आप भी चली जाओ। नहीं है ना, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। उसे हमारी सुंदरता से जलन है ना, हम उसे इसी जाल में फंसा कर हराएंगे। एना, मैं चाहती हूँ कि तुम फादर से होली वाटर लेकर आओ। मुझे पता है उस पेल लेडी को कैसे खत्म करना है। लूसी और एना हामी भरती हैं। उसी शाम लूसी बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है और बहुत अच्छा मेकअप करती है और अपने आप को शीशे में देखती है। लूसी, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। लिली हम दोनों को देखती तो जल ही जाती। पेल लेडी उनकी सुंदरता को खिड़की से देखकर गुस्सा हो रही होती है। वो इतने गुस्से में होती है कि घर के सारे शीशे टूट जाते हैं और वो उन दोनों के सामने आ जाती है। करीब आकर अपने खुले बालों को उसके ऊपर झटकाती है। लूसी का चेहरा हल्का हल्का जलने लगता है। वो दर्द से चीखने लगती है। पेन लेडी अपने नाखूनों से लूसी के बदन पर खरोचती है। लूसी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन पेल लेडी उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देती है। उसके हाथ लंबे होने लगते हैं और वो उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। मैं तुम्हारी सुंदरता को बर्बाद कर दूंगी। लूसी दर्द से चिल्ला रही होती है कि तभी रोज मंत्र उच्चारण करने लगती है। पेल लेडी के कानों में दर्द होने लगता है और वो चीखने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत। वो अपना और शक्तिशाली रूप बना लेती है और रोज को धक्का देती है। रोज मंत्र पढ़ना बंद नहीं करती। पेल लेडी उसकी गर्दन दबा रही होती है। इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड होली स्पिरिट, I condemn you to hell. रोज का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी पीछे से एना आती है। एना पेल लेडी के ऊपर होली वाटर छिड़कती है और पेल लेडी तड़पने लगती है। वो रोज को छोड़कर मुड़ती है और उसकी तरफ बढ़ती है कि तभी एना उसके गले में कॉस का लॉकेट पहना देती है। पेल लेडी तड़पने लगती है और धीरे धीरे पैरों से गायब होने लगती है। लूसी पर उसका असर कम होने लगता है और धीरे धीरे पेल लेडी गायब हो जाती है। इस तरह पेल लेडी का अंत हो जाता है।